डीमार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है? डीमार्ट में चीजें इतनी सस्ती क्यों मिलती है? बड़े बड़े सुपरमार्केट, वॉलमार्ट, सुपर बाजार, जियो मार्केट, रिलायंस मार्केट, सब इसके आगे क्यों फेल हो गए? इसके प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण ये है, जो डीमार्ट है, ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये अपना शॉप खोलते हैं, वो खुद ऑन होता है या पर 30 साल 40 साल के लीज पे लेते हैं, तो इनको किराया नहीं देना पड़ता। दूसरा, ये सीधे मैन्युफैक्चरिंग से सामान लेते हैं, बीच में दलाल या बिचौलिया या ये सबको नहीं शामिल करता, तो मैन्युफैक्चर इनको ज़्यादा डिस्काउंट देता है, तो ये ग्राहक को ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। और एक कारण ये भी है कि ये अपने वेंडर को तुरंत पेमेंट कर देते हैं, तो इनको ज़्यादा और डिस्काउंट देते हैं। बाकी कंपनियां 2 महीना, 30 दिन, 45 दिन, कभी कभी तो 4 महीना लगा देते हैं, पर डीमार्ट तुरंत पेमेंट कर देता है। और डीमार्ट के और सफल होने का स्ट्रेटजी ये है कि ये मार्केटिंग पे विश्वास नहीं करते, ये अपने इनका जो ग्राहक है वो मिडिल क्लास है, और इनको कैसे मिडिल क्लास को आकर्षण करना है वो डिस्काउंट देते, इतना परसेंट डिस्काउंट, एक पे एक फ्री, तो मिडिल क्लास दौड़े हुए यहाँ पर आते। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केटिंग नहीं करते, तो मार्केटिंग का जो पैसा है वो भी ग्राहकों को दे देते, तो इसलिए डीमार्ट बहुत सक्सेसफुल है, अपनी प्रॉपर्टी के कारण, अपनी स्ट्रेटजी के कारण ग्राहकों को मिडिल क्लास पे फोकस करते और ये फालतू की चीज़ें नहीं बेचते। वीडियो सब्सक्राइब